ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल शिवानी, वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू। आपके शो को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, मिट्टी से जुड़ी डोर। तो किस तरीके के रिस्पांस आपको मिला, और काफ़ी टाइम बाद आप एक बार फिर स्क्रीन पे दिख रही हैं? या शो का नाम है माटी से बनी डोर, और शो जो है, या मैं इसके पहले जो शो कर रही थी वो था श्रवणी, शिमारू पे आ रहा था, उसके पहले निमकी मुखिया। लेकिन इन दोनों के बाद जो एक इन दोनों के बीच में एक समय आया था कोरोना, इट वॉज़ वेरी बैड फॉर एवरी वन, नॉट ओनली फॉर एक्टर्स, सारी जो इंडस्ट्री थी हिल चुकी थी। तो खैर, हम उस दिनों की बात नहीं करते, अच्छे दिनों की बात करते हैं। काम कर रहे हैं अच्छा, और ये जो मैं शो कर रही हूँ, मैं पहली बार इनके साथ काम कर रही हूँ, स्टोमो फिल्म्स के साथ। और ये एक मराठी बैकग्राउंड पे एक शो है, बेस्ड है, जिसपे हमने जिसके इसके लिए हमने शूट किया है कोल्हापुर में भी, प्रॉपर एक फील्ड पे जाके, एज एन फार्मर जैसे लोग काम करते हैं, जो हमारे किसान हैं उनकी कहानी है। तो कैसे जो मेरी जो सिस्टर है छोटी वैजू, वो कैसे हम सबको लेके चलती है, हमारी फैमिली को पालने पोसने के लिए क्या कुछ नहीं कर रही है, उस पे ये कहानी है। और या उसकी भी लाइफ की कहानी है कि वो उसको कई बार रिजेक्शन मिला है लाइफ में, ऑल दो शी इज़ अ वेरी हार्ड वर्कर लड़की, बट एक होता है ना एंड में आके, अरे यार इसने भी रिजेक्ट कर दिया, उसने भी रिजेक्ट कर दिया, एक उसके अंदर ये है, ये भी एक लेयर है। मेरे कैरेक्टर की बात करूँ तो मैं भी उस घर की एक बड़ी बेटी हूँ, जिम्मेदारी मेरे सर पे भी बहुत है, ऑल दो मैं उतना लेती नहीं हूँ। ये थोड़ी सी चिल्ड है, थोड़ा सा ताना कस देगी, थोड़ा ये कर देगी, बट हाँ, दिल से शी इज़ वेरी गुड गर्ल एंड चाहती है कि ये भी बड़ी बहन का फ़र्ज निभाए। तो या कहानी तो बहुत पसंद कर रहे हैं। जैसे कि हम पिछले शो की बात करें शिवानी, तो उसमें जैसे निमकी मुखिया और निमकी विधायक में भी रही हैं आप जी, इन दोनों में आपका नेगेटिव कैरेक्टर था? हाँ, मतलब बहुत नेगेटिव भी नहीं, बट हाँ एक ग्रे बोल सकते हो। तो इस शो में किस तरीके के आपके कैरेक्टर को दिया गया मॉडिफाई, और कितना डिफरेंस है दोनों? बहुत बहुत डिफरेंस है, क्योंकि उस कैरेक्टर को अगर हम लुक वाइज भी देखें तो ही जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि मैं उसमें काफ़ी रेडी, बहुत डैगअप रहती थी, साड़ी बहुत हैवी होती थी, बॉर्डर होते थे, यूपी बिहार की कहानी थी, तो उसमें हमारा लहजा बहुत ही अलग हुआ करता था, हम ऐसे बोलते थे वैसे बोलते थे, और ये मराठी लड़की है तो अब काय असत अस, हाँ ये हो गया है। तो एक्सेंट में बहुत वर्क करना पड़ता है, एज एन एक्टर आपको हमेशा शुड बी लाइक वाटर, कि आप जिसमें जिस भी उसमें ढालो ढल जाना चाहिए, जिस भी कंटेनर में ढालो, वैसे ही हम एक्टर्स हैं। तब मैं गजवा वाली थी, अब मैं कावेरी हूँ, और उसमें मैं चुलबुली और इतने बड़े बड़े ईयर रिंग्स पहनने वाले, हाथ में रिंग्स पहनने वाली, चूड़ियाँ, फिर आ गई कावेरी तो बिल्कुल 360 डिग्री अपोजिट, जिसमें मैं एक सूती साड़ी पहनती हूँ और एक छोटी सी बिंदी लगाती हूँ, एक चोटी करती हूँ। तो ये जो डिफरेंस है ना, ये एक हमारे लिए, मतलब बेसिकली मेरे लिए ये जो डिफरेंस है, ये बहुत ज़रूरी था करना, क्योंकि क्या होता है, आप लाइफ में चैलेंज बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हो, और खुद की जब बात आती है ना कि नहीं यार मैं ये कैसे करूँगी, मतलब या मैं तो कभी इसके अलावा कहीं, मतलब ऐसे मेकअप के अलावा ऐसे मेकअप में कैसे दिखूँगी। एक एक्टर का सबसे पहले तो ये होता है कि कम मेकअप ज़्यादा मेकअप वो एक्चुअली होना ही नहीं चाहिए। आपको जो किरदार मिला है आप उसमें उसको ब्यूटीफुली करोगे तो आप ऑटोमेटिकली ब्यूटीफुली दिखोगे। और शिवानी, बात करें एज अ एक्टर, जैसा कि कहा आपने बहुत गैप हो गए हैं, इस समय जो इंडस्ट्रीज की बात करें, टेलीविजन की बात करें या फिर बॉलीवुड की बात करें, दोनों में अब काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया है बीइंग द एक्टर। कितना फेसेस करना पड़ता है चैलेंजिंग एज एक्टर, स्ट्रगल? हाँ देखो, स्ट्रगल्स आर नेवर एंडिंग, मतलब हम ये बोल ही नहीं सकते कि भाई ऐसे काम साइड में रखा है मिल जाएगा, कभी भी नहीं। और चाहे वो बहुत अच्छा एक्टर क्यों ना हो, एक्टर अच्छा बुरा नहीं होता है, एक्टर का समय अच्छा बुरा होता है कभी भी। तो आप अच्छा समय आएगा, आप उसको देखने लग जाओगे, हो सकता है मे बी वो बंदा या बंदी ने एक छोटा सा किरदार किया होगा कभी, लेकिन उसका समय उतना अच्छा नहीं था उस समय, तो उसको लोगों ने देखा भी नहीं होगा, लेकिन क्योंकि उसका समय अच्छा चल रहा है तो लोग बोलेंगे वाह क्या काम किया है। तो ये समय का ही खेल है, लक का ही खेल है, हार्डवर्क तो देखो बहुत है, अगर हार्डवर्क नहीं करेंगे तो शायद यहाँ तक भी नहीं पहुँचेंगे। एक कंसिस्टेंसी आपके दिमाग में होना, पेशेंस आपके दिमाग में होना बहुत ज़रूरी है। मैं हर एक्टर को, जो भी अभी आते हैं ना नए नए, तो मैं उनको ये बोलती हूँ कि भाई सबसे पहले अपने कंधे पे जो है वो सब्र लेके आना, यहाँ पे अगर आओगे तो सब्र बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपके अंदर पेशेंस और सब्र नहीं होगा आप यहाँ नहीं कर सकते, क्योंकि इट्स वेरी अनप्रेडिक्टेबल वर्ल्ड, मतलब आज इतना
इतना काम है तो कल कुछ नहीं है, तो वो शायद नेवर एंडिंग है, ये ऐसा नहीं है कि थोड़े दिनों में खत्म हो जाएगा, क्या बोलते हैं गवर्नमेंट बदल गई तो ये बदल जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। बट शिवानी कहीं ना कहीं आपने इतना टेलीविजन किया, आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा भी रहे हो, आई थिंक सीमर में भी रहे हो, शक्ति में भी रहे हो, इतने सारे टीवी शो करने के बाद जब इतने डिफरेंस होते हैं तो कहीं ना कहीं लिट डाउन होना पड़ता है, यू नो इतना काम करने के बाद अगर बिल्कुल हम इतने अभी देखो जैसे ये होता है कि आप इतने सीनियर ही हो गए, सीनियर ही हूँ मैं, है ना, अभी मेरे को खुद को 15 साल होने में आ गए इंडस्ट्री में, तो बीइंग अ सीनियर जब आप देखते हो यार क्या है, मतलब मुझे तो कहीं और होना चाहिए, अभी और कुछ करना चाहिए, कहीं ना कहीं आपको फील, देखो सिंपल सी बात है, बुरा जरूर लगता है, लगता है कि यार मैं थोड़ा पहले आ जाती, शायद और पहले ट्राई करती तो ये होता, बट पता है सारी चीजें सोच के मैंने देखा है सब, मतलब एक होता है ना आपका वो फेस भी देखा है, रिजेक्शन भी देखा है, सब देखा है, बट मैंने उसको सम अप कैसे करती हूँ पता है कि जितना आप कर रहे हो ना आप उसमें बेस्ट दो, तो ऑटोमेटिकली जो आपके जितने रिग्रेट्स है ना सब खत्म हो जाते हैं, कि आप जो कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मेरे को ये दिया गया है तो इसमें इतना अच्छा करो आप कि आपकी दूसरी बातें आपको ध्यान ही नहीं आनी चाहिए, क्योंकि नहीं तो फिर वो आपको तोड़ने में 2 मिनट लगते हैं, लेकिन जैसे जो लोग यहाँ से स्ट्रांग नहीं होते, आपने तो सुने ही होंगे किससे क्या नहीं कर ले, कुछ भी बहुत डिसीजन ले लेते हैं, छोड़ दिया घर छोड़ के चले गए, बॉम्बे छोड़ दिया, आपने खुद को हार्म करते हैं, पर आई डोंट थिंक ये एक राइट तरीका है, बट हाँ आप जैसे पूछ रही हो कि आपने इतना अप एंड डाउन देखा है, इतने पुराने हो पर कभी कभी फेस करते हो तो कैसा खराब लगता है, ऑब्वियसली हमको लगता है अभी कल के आए हुए, ऐसा लगता है ये कुछ क्या कर रहे हैं, कुछ कभी कभी लगता है हमने तो इतना कुछ किया, उसके बाद भी देखो प्लेटफॉर्म भी बहुत बड़ी चीज होती है आजकल ना, बहुत प्लेटफॉर्म बहुत अच्छे हैं इन लोगों, अब कौन बोलेगा, मैं कौन से ईयर में, मैं जब खुद स्कूल में थी तब मैंने बुगी वुगी किया था सोनी टीवी में, एक डांस शो आता था, अगर तब से अगर हाइप मिलनी शुरू होती ना, ये मीडिया होता थोड़ा यू नो आपके लिए बूस्टअप होता तो शायद और नोन इंसान होता, लेकिन तब उतना नहीं था, अभी है तो आई थिंक यू शुड रिस्पेक्ट दैट और करते रहो। शिवानी जैसे कि हम सब जानते हैं यू आर गुड डांसर, यू नो कहीं तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं रहा कि नहीं मैं इसमें भी मेरी एक प्रोफेशनल लाइफ बन सकती है? नहीं रहा, नहीं मैं आई थी बॉम्बे कोरियोग्राफर बनने, मेरी कहानी का सबसे पहला मतलब क्या बोलूँ सच्चाई है कि मैं बॉम्बे आई थी कि मैं कोरियोग्राफी करूँगी, ठीक है अच्छे से कोई कोरियोग्राफर के अंडर पहले काम करूँगी सीखूँगी, बट सही बताओ जब मैं उस मैंने एक 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 गाना भी किया है बॉलीवुड का कोरियोग्राफ एज एन असिस्टेंट, एक एल्बम भी किया है असिस्टेंट, बट बाद में मुझे ऐसा लगा यार ये टफ है, मतलब इतना इजी नहीं है कि आप पीछे से आप आगे आ जाओ, क्योंकि आपका जो मेन गुरु कोरियोग्राफर होता है पहले तो उसी से आपको आगे जाना है, या उनको बहुत हेल्पफुल होना होगा आपके सर मैम को जो भी हो कि यार नहीं मेरा ये बंदा आगे जाएगा, तो आपको या तो वो हेल्प नहीं मिली हो या क्या पता नहीं, और मे बी डेस्टिनी कि मैं आई थी एक एल्बम कर रही थी तो एल्बम में मैंने हेल्प किया तो उसमें मुझे जिस दिन शूट हो रहा है उस दिन ही हमारे कोरियोग्राफर ने बोल दिया यार एक काम करो तुम डांस कर लो, दो लड़कियां हैं तुम भी कर लो, तो उसी दिन से मेरी किस्मत मतलब मैं कैमरे के सामने आ गई थी, कैमरे के पीछे पर कैमरे के सामने आ गई, पर हाँ लगता ज़रूर है क्योंकि मैंने बहुत छोटे से ही डांस क्लासेस लेना शुरू कर दिए थे अपने सिटी में, तो मेरी अर्निंग मेरी पॉकेट मनी निकलती थी उससे अच्छी खासी, तो पर हाँ डांस थोड़ा ना यही मेरे को चाहिए कि मैं फिर से ना अपने उस ड्रीम को थोड़ा पॉलिश कर लिया। हाँ एग्जैक्टली। फैमिली और फ्रेंड का किस तरीके से सपोर्ट मिलता है शिवानी आपको जब आपने एज अ एक्टिंग करियर में अपना करियर करने की? सी देखो बिना मतलब बिना फैमिली और फ्रेंड्स के आप नहीं कर सकते हो, इट्स नॉट इजी, कर नहीं सकते हो इज नॉट द वर्ड या सिचुएशन, कर तो सकते हो इंसान ने ठान लिया तो कैसे भी कर लेगा, बट मेंटल सपोर्ट मे बी वो आपको किसी और तरीके से सपोर्ट नहीं कर रहे, बस इतना ही बोल दिया खाना खाया ऑडिशन कैसा गया यही बहुत होता है, कई बार आपको बहुत ज़रूरी नहीं है कि वो आपके साथ दिन भर शूटिंग पे जा रहे हैं या आपको है ना लेके ही चल रहे हैं ऐसा कर रहे हैं ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ एक फ़ोन कॉल कैसी है खाना खाया कैसा रहा ऑडिशन कैसा हो जाएगा, इस बार नहीं हुआ अगली बार हो जाएगा, ये बोलने वाला भी आपके लिए बहुत मायने रखता है, तो बस मेरे लिए मेरे फादर मेरी मदर मेरी फैमिली मेरे फ्रेंड्स फैमिली फ्रेंड्स उन लोगों ने बहुत हेल्प किया है और आगे भी करेंगे आई नो,
लेकिन हाँ खींचने वाले भी बहुत मिले हैं, राइट। मतलब अगर फैमिली आपको सपोर्ट भी कर रही है तो कई ऐसे भी लोग होते हैं जो आपको पुल बैक करेंगे, राइट। सोनी, रियलिटी शोज भी रहते हैं, कभी आपको लगा कि नहीं यहाँ पर एक बार जाना चाहिए ताकि मेरा थोड़ा बिल्डअप हो कैरियर पे? हाँ सही बात है, मुझे, मैंने जैसे कि आपको बोला मुझे मेरे डांस पे थोड़ा सा लाइट थ्रो करना है, लोगों को बताना है कि आई एम अ डांसर, और इतना गैप डांस में हो गया ना कि मैं अब खुद से भी पॉलिश करना जरूरी होता है। आप चाहे कितने भी कुछ भी कर रहे हो लेकिन बोलते ना आप जब तक उसको ब्रश अप नहीं करोगे, रियाज नहीं करोगे, तब तक आप वो अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो एज एन एक्टर क्या हो गया, मैं एक्टिंग कर करके 12-14 घंटा हम लोग एक्टिंग उसमें रहते हैं, जोन में, डांस कहीं ना पीछे रह गया। तो मैं चाहती हूँ मैं कोई डांसिंग रियलिटी शो करो। बिग बॉस करने का कोई प्लान नहीं है आपका? बिग बॉस करने सी एक बहुत हाइप मिली है उसमें लोगों को, आया मैं अपनी आंखों से देखा है कि एकदम चेंज होते हैं। किसको पसंद नहीं है यार, किसको, झूठ नहीं बोलूंगी, करने मिलेगा तो जरूर करूंगी, बट मुझे पता नहीं पर्सनली ऐसा क्यों लगता है बिग बॉस के लिए ना मैं उतनी, मतलब पता नहीं, घर के लोग बोलते हैं कि तू कर लेगी, बिकॉज मेरे में पेशेंस बहुत है, मैं सुन लेती हूँ, मैं समझ लेती हूँ, पर खुद को मुझे ऐसा लगता है मैं इतने, जब लड़ाई झगड़ा है हाँ, या कोई तेज चिल्लाए तो ना मैं थोड़ी, मतलब क्या बोलूँगी, स्टेप बैक हो जाती हूँ। नहीं यार ये क्यों चिल्ला रहे हैं, ऐसे गलत क्यों कर रहे हैं, सब चुप हो जाओ। तो मुझे लगता है ऐसी लड़की वहाँ पर फिर क्या करेगी, बट हो सकता है 1-2 week के लिए आई विल एंजॉय, बट मुझे मेरा ऐसा डर लगता है कि पता नहीं इतनी इमोशनल लड़की वहाँ अंदर जाके क्या करेगी। तो अब मेरा साइड दिखेगा लोगों को, ऑफकोर्स OTT का भी जमाना चल रहे हैं, तो कभी ऐसा ट्राई की OTT पे, टेलीविजन सब OTT पे भी नहीं, अगर करना का मौका मिला तो फिर TV पे करूँगी। क्या बात है। लास्टली क्या कुछ कहना चाहेंगे शिवानी अपने फैन और फैंस, क्या कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट हैं? फैंस को मैं यही बोलूंगी, अभी आप लोग मुझे जिस प्रोजेक्ट में देख रहे हैं उसमें काफ़ी प्यार दिया है आप लोगों ने, उसके लिए बहुत 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 थैंक यू, और जितना भी मैंने काम किया है उसमें आप लोगों ने मुझे सराहा है और भी सराहिए, क्योंकि काफ़ी चीज़ें पाइपलाइन में होती है, इट्स ऑल अबाउट योर लक। हो सकता है हम आज इस शो के बारे में बात कर रहे हैं, कल कुछ और शो के बारे में बात करेंगे, बस मैं करती रहूँ और आप लोगों से प्यार लेती रहूँ, यही काम मैं करती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।